उमरिया जिले में धान खरीदी केंद्र पर रिश्वतखोरों का मामला सामने आया है। यहां भाजपा के मंडल अध्यक्ष से धान खरीदी केंद्र में उपज बेचने के रुपए लिए भाजपा नेता ने कलेक्टर से रुपए लेने वालों पर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने इसके लिए कलेक्टर को पत्र लिखा है। यह पत्र सार्वजनिक होते ही जिले के अफसर हरकत में आ गए। कांग्रेस ने भी यह पत्र ट्वीट कर प्रदेश सरकार के सुशासन पर सवाल उठाए हैं। पिपरिया भाजपा के मंडल अध्यक्ष सुंदर लाल यादव से कलेक्टर को पत्र में लिखा, मैं गढ़पुरी खरीदी केंद्र पर 26 दिसंबर को धान लेकर आया था। यहां 27 दिसंबर को धान की खरीदी हुई। 28 दिसंबर को धान बेचने की पर्ची देने के बदले उनसे केंद्र पर तुलाई के नाम पर 4,000 रुपए लिए गए। सुंदर लाल ने पत्र में लिखा है कि मैंने उन्हें मना किया तो पल्लेदार से बार बार रुपए देने के लिए कहलवाया गया। मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ यह स्थिति बनी है। आम जनमानस का क्या हाल होता होगा। सुंदर लाल ने मांग की है कि केंद्र के भ्रष्ट प्रभारी को हटाया जाए। कलेक्टर को लिखा यह पत्र सार्वजनिक होते ही अफसर जांच में जुट गए हैं। कलेक्टर कृष्ण देव त्रिपाठी और खाद्य अधिकारी बीएस परिहार सहित अन्य अफसर शुक्रवार को परासी धान खरीदी केंद्र पहुंचे। उन्होंने किसानों व पल्लेदारों से चर्चा की। कलेक्टर ने बताया कि जांच कर रहे हैं, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुंदरलाल यादव ने बताया कि खरीदी केंद्र पर धान तुलाई सहित अन्य कार्यों के नाम पर रुपए लिए जा रहे हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुंदरलाल यादव का पत्र सामने आते ही कांग्रेस नेत्री संगीता शर्मा ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, कौन कहता है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होता। एक बार भाजपा मंडल अध्यक्ष के पत्र को तबीयत से पढ़कर तो देखो। भाजपा मंडल अध्यक्ष को धान खरीदी में रिश्वत देना पड़ी, जबकि वे भाजपा के स्थापित नेता हैं, जनजाति कल्याण मंत्री मीना सिंह के खास व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा रिश्वत के रूप में दी गई राशि को वापस प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। लिखा कलेक्टर महोदय, जब संगठन के मुखिया को ही रिश्वत देनी पड़ रही है तब आम जनमानस का क्या हाल होगा। मुख्यमंत्री जी, आए दिन भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार की पोल खोली जा रही है और भाजपा सरकार से सवाल किया है कि आपकी 18 सालों की सरकार में रिश्वत दे देकर जनता के क्या हाल हो रहे होंगे। मैं जो है परासी सोसाइटी मर्यादित केंद्र में जो है धान लेके आया बेचने के लिए लाया, तो तलाई भराई सिलाई सब हो गई। इसके बाद जब कंप्यूटर में पावती लिया, पावती लेने के बाद जो है बोले लेबरों को पैसा देना है। लेबर भी दो चार बार फ़ोन किए कि हमारा तौलाई भराई सिलाई पैसा दो, तो हमने 4,000 रुपया मैंने दिया।